ओ भाई पूरी गाड़ी जल गई, पूरी गाड़ी में आग लग रही है भाई, फुल भयंकर। ये गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, ये शायद इसके चक्कर में गाड़ी हीट हो गई। हेलो दोस्तों, राम राम, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के पी ब्रदर्स पे फिर एक बार। आज दोस्तों इतने दिनों के बाद हमारा जो टूर था वो ख़त्म हो गया और भाई आज हम यहाँ से निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। और भाई कल बाइक ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी तो मैंने इसे टेम्परेरी वॉश कर दिया खुद से, ताकि इसमें धूल मिट्टी जो चिपके हुए थे, कीचड़ चिपके तो वो मैंने हटा दिया। और बाकी अभी अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और अभी टाइम जो हो रहा है, मैंने वॉच भी बैग में डाल दिया, टाइम हो रहा है भाई 4:50। यहाँ से अभी हमें पेट्रोल भी डलवाना है और चलते चलते पहले बातें करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता था मैं 4 बजे निकलूँ और भाई इतना लेट निकल रहा हूँ मैं। खैर कोई बात नहीं, इतना तो हम कवर कर लेंगे रास्ते में। और सुबह सुबह उड़ते हैं भाई कीड़े जो जाएंगे आँख में। बाकी भाई पता कितने दिनों से फ़ोन आते हैं, कभी सौरभ भाई के आ जाते हैं, कभी आशीष के आ जाते हैं, कभी किसी के आ जाते हैं, कभी किसी के आ जाते हैं कि भाई कहाँ हो। एक गोलू भी है, वो भी भाई केदारनाथ चलने के लिए बहुत दिनों से फ़ोन कर रहा है मुझे। और वो क्या फ़ोन कर रहा है, केदारनाथ मुझे भी जाना है, बट क्या कहते हैं, मतलब मैंने गोलू के साथ प्लान बनाया था कि चलेंगे भाई मई में, मई में आ गया मैं यहाँ पर, तो भाई हम जा नहीं पाए। और फिर भाई भीड़ इतनी ज़्यादा है केदारनाथ में कि भाई अभी लड़के चलो कहीं पे भी भाई कैसे भी रह लेंगे, बिगड़ सोए जैसे मर्जी रह लेंगे, बट मैं चाहता हूँ मैं अपनी वाइफ को भी ले जाना। हाँ तो मैं ये बताना चाहता हूँ मैं अकेला क्यों जा रहा हूँ। अकेले मैं इसलिए जा रहा हूँ, कल मम्मी को और अपनी वाइफ को दोनों को मैंने ट्रेन में बैठा दिया था। मैंने सोचा था कि मैं बताऊँगा बट मैं वो ब्लॉग बना नहीं पाया, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं अभी बता देते हैं। तो कल मैंने उन्हें ट्रेन में पहुँचा दिया और वो लोग कानपुर पहुंच भी गए, और वहां से कानपुर के बाद अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद दिल्ली। बाकी दोस्तों यहां से हाईवे पे पहुंचते पहले और फिर करते हैं हाईवे पे बहुत सारी बातें कि भाई यहां कैसा लगा, नहीं लगा, इतने दिन क्यों रुका हुआ था, मैं सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और हालांकि कुछ चीज़ें आप लोगों को भी पता है, पहले हाईवे पे पहुँचते फिर करते हैं बातें, क्योंकि यहाँ पर भाई बीच बीच में कोई कोई आ जा रहा ना। तो मेरे भाई हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे, ये देखो भाई हम आ गए NH 27 पे। मैंने पहले भी बताया था ये पहले 57 था, अब ये 27 हो गया है। और भाई पीछे पेट्रोल पंप सारे बंद थे तो मैंने सोचा हाईवे पे चढ़ने के बाद ही मैं डलवा लूँगा। बाकी दोस्तों हम यहाँ से जो निकल रहे हैं, मेरा यहाँ पे भाई बहुत दिन हो गया रहते रहते और बहुत अच्छे से भाई मैंने मज़े करे यहाँ पे, बहुत मज़ा आया, बहुत सारे लोग थे, दोस्त बन गए नए नए, बच्चे बड़े सारे बंदे, बहुत मज़ा आया। मैंने उन्हें बता दिया था कल ही कि भाई मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। और मैं अभी ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं जब जा रहा हूँ ना तो रास्ते में ना अयोध्या पड़ेगा, राम मंदिर, लेकिन राम मंदिर के लिए 5-7 किलोमीटर उल्टा जाना पड़ेगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब भाई मैं यहाँ से जा ही रहा हूँ तो मैं वहाँ हो जाऊँ, राम मंदिर का दर्शन करके ही आ जाता हूँ। लेकिन कहानी ये है कि अगर हम टाइम से पहुँच गए अयोध्या तो राम मंदिर का दर्शन कर लेंगे, और अगर टाइम से नहीं पहुँचे तो भाई नहीं कर पाएंगे। बाकी देखते हैं हम कितने बजे पहुँचते हैं, फिर वहाँ डिसाइड करेंगे। और ये पहुँच गए भाई हम पेट्रोल पम्प पे। पेट्रोल भाई अपना डल गया, अब यहाँ से निकलते हैं खैचम खैच और पहुँचते हैं भाई जल्दी से जल्दी अयोध्या। रास्ते में बात करते हुए चलेंगे और जहाँ जहाँ पहुँचते रहेंगे वो जगह मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। बाकी मैं रॉन्ग साइड इसलिए जा रहा हूँ, ये रहा यहीं पे कट है और पीछे बहुत लंबा यू टर्न है। मेरे भाइयों ये वाला रास्ता जो है ये नीचे मुजफ्फरपुर के लिए निकल जाता है लेफ्ट लेते ही, लेकिन हमें जाना है सीधा, ये रास्ता जाएगा अभी गोपालगंज। वैसे एक घंटे में हम पहुंच गए भाई मुजफ्फरपुर, बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा तेज चलाया नहीं मैंने, 100, 110, 120, इससे ऊपर मैं गया ही नहीं।
यहाँ से पहुँचते हैं भाई गोपालगंज, और गोपालगंज के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद आगरा, आगरा के बाद दिल्ली। भाइयों अब हमें ना यहाँ से आगे से लेफ्ट मुड़ना है। ये अभी मैंने इसमें देखा, ये देखो मैं NH 27 पकड़ के सीधा जा रहा था भाई, मतलब एक बार चेक कर लेते रास्ते में चलते चलते, और चेक करा तो भाई यहाँ से रास्ता में लेफ्ट दिखा रहा है। अरे यार यहाँ पे मैंने रबड़ बैंड लगा रखा था, वो पता नहीं किसने तोड़ दिया उसके चक्कर में मेरे को फोन ना बीच बीच में हाथ में लेके चलना पड़ रहा है। ये है भाई लोकल ट्रेन, उठाओ भाई से उठाओ, कौन उठाएगा यार, बैरिकेड टूट गया भाई। अब यहाँ से हमें इधर राइड जाना है। हाँ ये करीब बंदे ने एकदम मस्त वाली बातचीत, वेरी गुड, ले ले बंदे आगे ले जल्दी ले। तो मेरे भाइयों यहाँ से गोपालगंज जो है वो है 35 किलोमीटर। अब यहाँ से हमें सीधा 35 किलोमीटर चलना है गोपालगंज, और ये रास्ता उससे भी आगे सीधा ही जाएगा, लेकिन गोपालगंज तक का जो है वो डिस्टेंस है 35 किलोमीटर यहाँ से। और हम तो 2.25 घंटे से कंटिन्यू चल रहे हैं। अब देखूंगा कहीं पे मन करेगा तो रुकूंगा, मतलब 5-10 मिनट, नहीं तो नहीं रुकूंगा, धीरे धीरे फिर भी चलता रहूँगा भाई। तो मेरे भाइयों मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं गोपालगंज, और भाई गोपालगंज आने में हमें लगे 35 किलोमीटर आने में हमें लगे 20 मिनट। बाकी अभी यहाँ से हमें पहुँचना है गोरखपुर। गोरखपुर पता है कौन सी जगह है? गोरखपुर है वो वाली जगह जिसने मिर्ज़ापुर देखा है, जब वो ललित को बोलते हैं ना ए ललित, कालीन भैया बोलते हैं ए ललित, वो गोरखपुर गोलीकांड में तुम थे? जी भैया जी, हाथ में क्या लिए थे? भैया जी गन, ये वही वाला गोरखपुर है जहाँ हमें जाना है। और गोरखपुर पहुँचने के बाद अयोध्या, अब अयोध्या देखते हैं हम, पहले तो गोरखपुर देखते हैं कितने देर में पहुँचते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे भाई कि हमें राम मंदिर जाना है या नहीं। वैसे तो मैं अपना प्लान ये बना के चल रहा हूँ कि भाई मैं होके आ जाता हूँ, क्योंकि पता नहीं दोबारा कभी मौका मिले या ना मिले, और कब मिले ये भी नहीं पता। दोस्तों मैं अब पहुंच चुका हूं गोरखपुर। गोरखपुर के लिए रास्ता नीचे से चले जाता है, और ये रास्ता जाएगा सीधा अयोध्या, लखनऊ, दिल्ली के लिए। अब भाई मेरे को लग गई बहुत तेज भूख, कहीं पे साइड में रुकेंगे, पेट्रोल भी डलवाना है इसमें और खाना भी खा लेंगे। बिना रुके 300 किलोमीटर टाप दिया भाई, अब कहीं पे रुकने का टाइम आ चुका है। कुछ हल्का फुल्का खाएंगे, बाकी भाई अपना टेस्ट के हिसाब से जहाँ पे खाना मिलेगा वहाँ पे जरूर खाएंगे, पेट भर के खाना।
भाई पेट्रोल तो हमने डलवा लिया, अब देखते हैं भाई खाने का। मौसम तो फिलहाल ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। और ज़्यादा गर्मी हो या ना हो भाई, पहले तो ज़्यादा धूप होती है ना तो दिक्कत वहीं हो जाती है। अयोध्या है 134 किलोमीटर। अब सारी कहानी पता क्या है, अगर अयोध्या के लिए मैंने लगा दी भाई, मतलब राम मंदिर हम चले गए, तो भाई कुछ भी कर लो 2 घंटे 2.5 घंटे से कम तो लगेगा नहीं, और 2.5 घंटे यानी 12 साढ़े 12 बज जाएंगे और घर पहुँचते पहुँचते हो जाएगा काफ़ी देर। और दूसरा मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी अयोध्या जाना कैंसिल करता हूँ, और एक बार ना सारे ग्रुप में प्लानिंग बनाते हैं और तब निकलते हैं अयोध्या के लिए। जाते जाते मूड का कोई पता नहीं है। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या, और भाई गंगा नदी देख सकते हो भाई, फुल खतरनाक लग रहा है। कितना बड़ा स्पेस है भाई साहब यहाँ पे, और वो है अपना रेलवे ब्रिज जिस पे बंदे क्या कहते हैं स्नैचर बन के बैठे रहते हैं और फ़ोन स्नैच करते हैं बंदे इस गंगा नदी की वीडियो बनाते हैं जब। एक बार और दिखा देता हूँ, वो देखो अब यहाँ से हम पहुँचते हैं लखनऊ। लेकिन भाई मेरे को कहीं थोड़ा सा साइड में रुकना भी है और पानी वानी पीते हैं। पहला 300 किलोमीटर तो मेरे को दिक्कत नहीं हुई, उसके बाद 100 किलोमीटर और चला दिया, 100 कहाँ 130-140 किलोमीटर और चला दिया। यूपी टूरिज्म वेलकम टू अयोध्या। और मेरे ख्याल से ये जो नीचे जितने भी पैदल जा रहे हैं ना, वो जा रहे हैं अयोध्या राम मंदिर। भाई जाता तो मैं भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एनर्जी बचेगी फिर घर जाने में, अभी से ही एनर्जी इतनी डाउन हो गई है। अब जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ रही है, लू चल रहा है बहुत तगड़ा। अब पीछे तक तो नहीं लग रहा था, जैसे जैसे हम आगे मतलब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे लू भी तेज़ होता जा रहा है। अब देखते हैं भाई यहाँ पे कैसी गर्मी है, आगे और कैसी गर्मी है। सुना तो है दिल्ली के अंदर भाई रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है। खैर जो भी है, यहाँ से अब हमें लखनऊ पहुँचना है। लखनऊ के बाद हाईवे पकड़ने के बाद तो भाई ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, बस 500 किलोमीटर रहेगा। और उसे 500 किलोमीटर को मैं ज़्यादा दूर इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो पूरा हाईवे है 306 किलोमीटर का, और यहाँ से देख सकते हो भाई दिल्ली 675 और लखनऊ 138 किलोमीटर। मेरे भाई मैं पहुंच चुका हूं लखनऊ। अब यहां से मेरे को पहले तो पेट्रोल डलवाना है, इसमें पेट्रोल भी ख़त्म हो गया इसमें, और यहां से अब मेरे को आगरा वाला हाईवे जो है लखनऊ से जाता है पूरा 306 किलोमीटर का। अब उस पर चढ़ने के बाद सीधा आगरा। मैं अभी एक घंटे से आराम कर रहा था, मैंने बोला थोड़ी देर रुक जाता हूँ यार, गर्मी पता लू इतनी तेज़ चल रही है ना, पूरा हाथ ऐसा लग रहा है लाल मिर्च में डाल रखा हाथ को। और हम 700 किलोमीटर आ चुके हैं, 500 किलोमीटर और रह रहा है। वैसे मैं 1 बजे लखनऊ आ चुका था, 1 बजे से मैं बैठा हुआ था पीछे, तो मैंने बोला कि भाई आराम करते हैं और फिर निकलते हैं, इतनी जल्दबाजी भी नहीं है जाने की। तो पानी वानी पी लिया मैंने, तब देख रहा हूँ यार रूह अफ़ज़ा बट रहा है भाई। यहाँ मैं पता एक चीज़ देख रहा था, ट्रैफिक वाले तो बिल्कुल भी मतलब कहीं है ही नहीं, गिने चुने जगह पे है
बस खड़े हैं वो बंदे बिना हेलमेट के आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई चलान कुछ नहीं। अब पता नहीं भाई होता भी है ये नहीं होता। वैसे यूपी में तो मैंने सुना है भाई बहुत कम ही चलान होते हैं, लेकिन जब होता है तो भाई गाड़ी बंद होती है। कौन कौन भाई यूपी से देख रहे हैं वीडियो को वो कमेंट करके भाई ये बता देना कि हाँ चलान ज़्यादा होता है या नहीं होता यूपी में। लो भाई पहुंच गए पेट्रोल पंप पे। लो जी भाई डल गया अपने बाइक में पेट्रोल। अब यहाँ से वो देखो टोल रोड लिखा है, बस टोल पे एंटर होते ही पहले कटेगी पर्ची अपनी टोल की। हा 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 भाई इसके लिए इतने देर से बाइक चलाए जा रहा हूँ कि कब ये आएगा। और पूरा रास्ता खाली, ये एक और बंदा भाई ट्रिप मार के जा रहा है कहीं से। अब अभी दिखाऊंगा टोल के ऊपर, मतलब पूरे टोल के पास चले जाए फिर दिखाऊंगा। पूरा 306 किलोमीटर सीधा चलना है इसी हाईवे पे, 302 सॉरी, पता नहीं वहाँ से तो 306 दिखाया था। भाई कितना खतरनाक आग निकल रहा है रोड पे से। ये लो जी दोस्तों टोल भी आ गया अपना। अब मैं ये भी दिखा देता हूँ यहाँ से टोल कितने का कटता है। पिछली बार आया था वो सारे पर्ची तो मेरे पास है बट मेरे को याद नहीं है अभी जो मैं आप लोगों को अभी बता पाऊँ। ट्रक बस कहाँ है, बाइक की ये वाली लेना है। चलो तो मेरे भाइयों यहाँ पे कटा है अपना 330 रुपए का टोल। अब यहाँ से बाइक को 100-150 किलोमीटर चलाने के बाद ही रोकूंगा मैं और बाकी आप लोगों से मैं मिलूंगा सीधा आगरा में जब ये टोल रोड खत्म हो जाएगा। ओ भाई पूरी गाड़ी जल गई, पूरी गाड़ी में आग लग रही है भाई फुल भयंकर। ये गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, ये शायद इसके चक्कर में गाड़ी हीट हो गई है और इसलिए गाड़ी में लग गई है आग। और यहाँ पे भीड़ देखो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है और आधे से ज़्यादा बंदे तो मेरे को देख रहे हैं। मेरे भाइयों फाइनली हमने लखनऊ एक्सप्रेस वे क्रॉस कर दिया, ये टोल है मैं उस साइड से आया था। अब यहाँ से हम जा रहे हैं भाई आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। मैं तो भाई फुल थक गया, मैं पता है इतना टाइम मेरे को क्यों लगा, टाइम देख सकते हो भाई 7 बजने वाले हैं और मेरे को पता है इतना टाइम क्यों लगा। इतना टाइम मुझे लगा इसलिए क्योंकि ना यहाँ पे लू चल रही थी बहुत तेज़, ऐसा लग रहा था पूरा शरीर जल रहा है। तो मेरे को ऐसा लगने लग गया कि भाई मैं तो गया तो मैंने बोला चलो भाई कहीं पर रेस्ट करता हूँ। तो 3 घंटे मैं रेस्ट कर रहा था, उसके बाद फिर मैंने बाइक स्टार्ट करी। और ये वाला हेलमेट ना काफ़ी भारी लग रहा था मुझे तो मैंने उतार के रख दिया और ये वाला हेलमेट मैंने पहन लिया। चलो अब यहाँ से चलते हैं। तो मेरे भाई लोगों कहानी ऐसी है कि भाई तुम्हारा भाई पहुँच गया कालिंदीगंज यानी कि अपने घर। यहाँ से मेरा घर 300-400 मीटर पे है। बाकी दोस्तों बहुत तगड़ा थक चुका हूँ, मेरा कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मेरी आवाज़ इतनी तेज़ निकल रही होगी उसी से पता चल चुका होगा। फिलहाल दोस्तों बाय, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना,
इससे ज़्यादा मेरे को कुछ बोला नहीं जाएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो बनेगी ना उसमें मैं कहानी बता दूंगा क्या कहानी है।